अम्बाला में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कई इलाके में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग प्राइवेट अस्पताल में बढ़ती हैं तो कोई सरकारी अस्पताल में, जिन्हें अस्पताल प्रशासन डेंगू के मरीज न मानकर केवल एक बुखार मान रहा है। अम्बाला में ही नहीं, हरियाणा में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री अब भी यह कह रहे हैं कि डेंगू का उन पे पूरी तरह काबू है। डेंगू सर 4-5 दिन हो गए हैं, 2 दिन से यहाँ एडमिट हो, कल 30,000 सेल थे, अब उसके बाद ग्लूकोज वगैरह चढ़े हैं, मेडिसिन चली है, अब आज टेस्ट द्वारा की रिपोर्ट गई भी, अब आने वाली थोड़ी देर से। पहले आपने कहाँ पहुंचे? पहले कोस पे आया जी, उस कोस के बाद तो यहीं पर आ गए सर। तो सडनली वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, परसों मॉर्निंग अलिंदा मॉर्निंग इसको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किए, टेस्ट वेस्ट किए, ग्लूकोज लगाया, प्लेटलेट्स चेक हो रहे हैं अभी राइट नो, कल 57 थे, आज टेस्ट लेके गए। ज़्यादातर पेशेंट्स वायरल डिसऑर्डर्स के हैं जो इस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, और जिनका पॉजिटिव होता है उनको फिर हम नगर निगम के थ्रू फॉगिंग और एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंट रेस्ट करें, पैरासीटामोल बुखार के लिए लें और पानी खूब पिएँ, ORS हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजमी हो गई, नारियल पानी पी सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50,000 से कम तक, मतलब उनको डरने की जरूरत नहीं है, 50,000 पे अलर्ट होना चाहिए पेशेंट को कि मेरे 50,000 हैं और उसका डेली चेक कराएं, और जैसे ही कम होता है हम उनको थ्रू रेफर कर देते हैं। और आपको ये भी जल्दी बता दें कि बस हमारे अस्पताल में ब्लड बैंक स्टार्ट होने वाला है, फिर पेशेंट्स को इस तकलीफ से भी निजात मिल जाएगा, हमारे यहाँ कंपोनेंट सिस्टम लग जाएगा और फिर प्लेटलेट हमारे सिविल हॉस्पिटल में मिल जाएंगे।